चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या है इस चैप्टर का, देखिए क्लास ट्वेल्थ में पहले तो जनरल प्रोबेबिलिटी, फिर आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर बेस थ्योरम और लास्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पांच सेक्शन है आपकी क्लास ट्वेल्थ के। सो लेट अस स्टार्ट प्रोबेबिलिटी, वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे, आप समझते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। अब भाई प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज थ्योरी ऑफ चांस, कि किसी इवेंट के होने की क्या संभावना है। अब भाई इवेंट क्या है, तो उसके लिए हम समझेंगे सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम्स के बारे में, आउटकम के बारे में आपको नहीं पता। जैसे अगर आप थ्रो ऑफ कॉइन करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं, तो ये तो हमें पता है कि हेड और टेल आएंगे, पर ये नहीं पता कि क्या आएगा, उसकी आउटकम क्या होने वाली है, ये नहीं पता। आपको पता है क्या कि हेड आएगा कि टेल आएगा? नहीं पता। तो इसलिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। या हम कहें कि ड्राइंग ऑफ अ कार्ड, हमें नहीं पता कि क्या कौन सा पत्ता आने वाला है, ड्राइंग ऑफ कार्ड। तो ऑल दीज इवेंट्स हुज आउटकम इज नॉट नोन आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम के बारे में आपको ना पता हो, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट का छोटा सा हिस्सा इवेंट कहलाता है। इवेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का छोटा सा हिस्सा। सपोज कीजिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है मेरे पास थ्रो ऑफ डाइस, और इवेंट है कि ऑड नंबर कम्स। तो एक्सपेरिमेंट हो गया थ्रो ऑफ डाइस, इवेंट उसका छोटा सा हिस्सा। अब इस इवेंट ए का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं डाइस फेंकने पे? 1, 3 और 5। तो क्या हमने शिक्षा ली? प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है, इवेंट हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट के कारण होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? जिसको करने पे आउटकम क्या आने वाला है वो नहीं पता हो हमें। आउटकम्स तो पता हो, आउटकम क्या है वो ना पता हो। और इवेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा। बात यहां तक समझ गए? तो भाई सपोज कीजिए ये आप एग्जाम्पल लिखा ही हुआ है, हमें कहा जाए कि डाइस फेंकने पे ऑड नंबर आने का चांस क्या होगा। तो भाई कितने लोग ए के फेवर में हैं? 3। और डाइस फेंकने पे टोटल इवेंट्स कितने आएंगे? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना 1/2। तो ये तो ही छोटी सी बात। अब शुरू करते हैं अपना बड़ा काम कि जनरल प्रोबेबिलिटी। लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर जनरल प्रोबेबिलिटी। भाई एक बात सारे दिमाग में डालिए, जब तक काम खत्म ना हो तब तक प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। Until and unless the work is finished, you go on multiplying the probability. अब सपोज कीजिए आपके पास दो बैग हैं, ये बैग ए है और ये बैग बी है। बैग ए में मान लीजिए मेरे पास 2 रेड बॉल्स हैं और 3 व्हाइट बॉल्स हैं, और बैग बी में मान लीजिए मेरे पास 3 रेड बॉल्स हैं और 2 व्हाइट बॉल्स हैं। ये मेरे पास 2 बैग्स हैं। और भाई हमें कहा जाए कि ए एक बैग चूज किया,
one bag is selected and one ball is drawn from it and is inserted in another bag. दोबारा, एक बॉल एक बैग हमने चूज किया, उसमें से एक बॉल निकाली, वो बॉल को हमने दूसरे बैग में डाल दिया और दूसरे बैग में से वन बॉल इज ड्रॉन। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड बॉल आए, रेड बॉल कम्स। सो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या डेटा है हम समझते हैं। हमारे पास दो बैग्स हैं, एक बैग में दो रेड बॉल हैं, तीन व्हाइट बॉल हैं, दूसरे में तीन रेड एंड दो व्हाइट बॉल है, और ये भी कि सारी बॉल्स डिफरेंट साइज की हैं, ऑल बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। अब भाई हमें कहा गया कि एक बैग चुनो, उसमें से एक बॉल निकालो, उस बॉल को दूसरे बैग में डालो, दूसरे बैग में से एक बॉल निकालो, क्या संभावना कि वो बॉल रेड निकले। दोबारा, एक बैग चुनो, उसमें से एक बॉल निकालो, वो बॉल को दूसरे बैग में डालो, दूसरे बैग से एक बॉल निकालो, क्या संभावना, क्या प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल निकले। ये हो गया क्वेश्चन जनरल प्रोबेबिलिटी का। और स्टूडेंट्स, मैंने कहा है आपको कि एक बात याद रख लीजिए कि जब तक काम नहीं खत्म होता तो प्रोबेबिलिटीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो लेट अस स्टार्ट कि भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली। अब मेरे बच्चे, क्या कहा गया है कि एक बैग चूज किया। सपोज कीजिए मैं इस बैग का नाम ए रख देता हूं, इस बैग का नाम बी रख देता हूं। अब प्रोबेबिलिटी है, संभावना, यहां देखिएगा केस क्या बनेंगे। मैंने ए बैग चूज किया, उसने कहा उसमें से एक बॉल निकाली, उसमें से एक बॉल निकाली, उसको उस बॉल को फिर आपने बी बैग में डाला, फिर बी बैग से आपने एक बॉल निकाली, क्या संभावना वो रेड थी। एक तो ये सीन हो गया, है ना। फिर दूसरा सीन क्या होगा, या हो सकता है आपने बी बैग चुना, उसमें से एक बॉल निकाली, वो बॉल को आपने ए बैग में डाला, ए बैग से एक बॉल निकाली, क्या संभावना कि वो रेड थी। यही दो सीन हो सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं भाई। ए बैग चुना, हमारे पास कितने बैग हैं, दो बैग हैं, दो बैग में से एक बैग चुनने की संभावना कितनी होगी, 1/2। अब जैसा मैंने कहा काम नहीं खत्म हुआ, जब तक ना खत्म हो प्रोबेबिलिटीज को क्या करते जाना, मल्टीप्लाई। अब भाई उसमें से एक बॉल चुनी, तो धैर्य, आपने बैग ए चुना, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। उस बैग में से एक बॉल चुनी, वो बॉल कौन सी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है। सपोज कीजिए उसमें से रेड बॉल आई। अब हमने कितनी बॉल्स चुनी है, एक बॉल चुनी है, रेड कितनी है वहां पे, दो, तो दो में से एक रेड आई, मतलब 2c1, और टोटल बॉल्स कितनी है, 5/5c1। तो ये क्या हुआ, बैग ए चुना, उसमें से रेड बॉल निकाली, अब वो जो रेड बॉल है उसको बी में डाल दिया। अब बी में रेड कितनी हो गई है, बी में रेड 4 हो गई है और व्हाइट कितनी है, 2। अब बी में से मैंने एक बॉल निकालनी और वो रेड होनी चाहिए। अब भाई जब आपने ए वाली रेड बॉल बी में डाल दी है तो बी में रेड कितनी हो गई है, 4। अब हमने निकालनी रेड ही है तो 4c1, 4 रेड होगी थी, 2 व्हाइट है, तो टोटल कितनी होगी, 6/6c1। ये काम खत्म हुआ। तो भाई दोबारा ए बैग चुना, उसमें से रेड बॉल निकाली, रेड बॉल को बी में डाला, बी से फिर रेड निकाल लिया, या। और याद रख लीजिए जब भी कभी या आए तो हमेशा प्लस डलता है, या इसको ऐसा कहे जब काम फिनिश हो गया तो वी पुट अप
पॉजिटिव साइन, जब काम नहीं खत्म होता तो तब तक हम क्या करते जाते हैं, मल्टीप्लाई। अब फिर सीन करते हैं, ए बैग चुना, ए बैग चुनने की प्रॉबिलिटी क्या, 1/2, उसमें से व्हाइट बॉल आई, व्हाइट बॉल आने की क्या संभावना होगी, उसमें से व्हाइट बॉल आए नहीं, अभी भी क्योंकि प्रोबेबिलिटी संभावनाओं का खेल है, अभी आपने ए बैग चुना है उसमें से रेड निकाली है, हो सकता है ए बैग चुनने पे व्हाइट निकली हो, तो वो भी केस देखना है ना। तो भाई ए बैग चुना 1/2, उसमें से व्हाइट बॉल आई तो वो 3C1/5C1। अब भाई साहब व्हाइट बॉल को हमने बी में डाल दिया तो बी में कितनी व्हाइट होगी, 3, और रेड कितनी है, 3। अब पर बी में से हमने एक बॉल निकालनी है और वो कौन सी होनी चाहिए, रेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड वहां पे 3 ही है तो 3C1/6C1। तो ये जनाब केस बने हैं, ए बैग चुना उसमें से एक बॉल आई, अब एक कौन सी हो सकती, रेड भी हो सकती थी व्हाइट भी हो सकती थी, तो दोनों केस ले लिए मैंने, बात समझ गए। अब दूसरा सीन इसका बिल्कुल सेम है कि भाई बी बैग चुना, बी बैग के आने की संभावना 1/2, बी में से रेड बॉल आई, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3C1/5C1, रेड बॉल को हमने ए बैग में डाला, ए में रेड 3 हो गई है, व्हाइट 3 है, निकालनी हमने रेड ही है, तो क्या प्रॉबिलिटी, 3C1/6C1, वेरी गुड हो गया जी। या अब भाई बी बैग चुना 1/2, उसमें से कौन सी बॉल निकाली, व्हाइट निकाली, तो व्हाइट की संभावना क्या, 2C1/5C1, और व्हाइट को हमने डाल दिया इसमें तो कितनी व्हाइट हो गई, 4, और कितनी रेड है, 2, निकालनी हमने रेड ही है, तो क्या प्रॉबिलिटी, 2C1/6C1। सो जेंटलमैन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जनरल प्रोबेबिलिटी, बोर्ड्स में ऐसा भी हुआ था कि जनरल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डल गया था, बस इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जब तक काम खत्म ना हो तब तक प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते रहें, और जैसे ही काम खत्म हो जाए तो प्लस डाल दीजिए। आई बिलीव यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। तो आप नोट्स बना सकते हैं, हम पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म कर जाएंगे आज के आज। तो भाई स्टूडेंट्स एक बारी दोबारा, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की होती है और इवेंट हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट के कारण होता है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसकी आउटकम ना पता हो, आउटकम्स तो पता है, डाइस फेंकेंगे ये तो पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, पर क्या सर्टनली आएगा वो नहीं पता, और इवेंट एक्सपेरिमेंट का सब पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा। और इस चैप्टर का दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड लेट, वी हैव स्टार्टेड प्रोबेबिलिटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 12th प्रोबेबिलिटी इज द फर्स्ट पार्ट इज जनरल प्रोबेबिलिटी, सेकंड इज कंडीशनल, थर्ड इज इंडिपेंडेंट इवेंट, फोर्थ इज बेस थ्योरम, एंड फिफ्थ इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई हमने जनरल प्रोबेबिलिटी के बारे में तो सीख लिया, अब बढ़ते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करते जाइए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, चलिए करते हैं शुरू। जैसे नाम से बता रहा है कि कंडीशन कोई होगी, उसके आधार पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस चीज को समझते हैं। भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये दो चीजें होंगी, एक ऐसी और एक ऐसी, मतलब पहले मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं कि ये चक्कर क्या है। इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है जी, ये जो स्लैश था डाल दिया गिवन बी,
कैसे पढ़ेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, और नीचे पढ़ा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या साधारण भाषा में कहिए जो नीचे है वो गिवन है। अब ये गिवन शब्द का क्या मतलब है ये भी हम सीखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए नीचे वाले का मतलब। अब मेरे बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या है, हम दोनों चीजें सीखेंगे कि भी वैसे तो बोर्ड्स में आपने फॉर्मूले से कर लेना है पर आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना ये क्या चक्कर चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इसका मतलब क्या है, ये गिवन शब्द का क्या मतलब है। तो बड़ी ध्यान से कंसंट्रेट कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला पहले तो लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले तो ये आप लिख लीजिए। ये दोनों के रिजल्ट्स हैं कि ए गिवन बी, ये जो नीचे है वो नीचे है ऐसे याद कर लीजिए, जो नीचे है वो नीचे है और ऊपर क्या आएगा इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी, जो नीचे है वो नीचे है और ऊपर क्या आएगा इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी। और इंटरसेक्शन शब्द का मतलब आप लोग बचपन से सीखते आए हैं कि ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, मतलब दोनों होने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊं कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। मीनिंग सपोज कीजिए ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि बी आ गया है, बी आ गया है ये क्या मतलब, कहां आ गया है बी आ गया है, उसका मतलब कि बी सैंपल स्पेस बन गया है। उस सैंपल स्पेस में ए की संभावना क्या, यानी बी सैंपल स्पेस बन गया, इस सैंपल स्पेस में ए की, ए का चांस क्या है, ए का चांस क्या है, ए का चांस क्या है। दोबारा दोबारा कि भाई बी सैंपल स्पेस बन गया है उसमें ए की संभावना क्या है, मेरे ख्याल से अभी नहीं पता लगा होगा, दोबारा समझते हैं। प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब बी आ गया है, बी मतलब सैंपल स्पेस बन गया है उसमें ए की संभावना क्या है। एक काम करते हैं हम एक क्वेश्चन करते हैं फिर ज्यादा जाएगा दिमाग में। सपोज कीजिए रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ड्रॉइंग ऑफ अ कार्ड, कि ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला, ड्रॉइंग ऑफ अ कार्ड, एक पत्ता निकाला और भाई एक इवेंट, ए इवेंट क्या है जी, एक्सपेरिमेंट का छोटा हिस्सा। सपोज कीजिए ए इवेंट है कि किंग कम्स, राजा आया, और बी है क्लब कम्स, क्लब का मतलब चिड़ी का पत्ता आया, राजा हम समझते हैं कि। अब अगर आपको कहा जाए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालिए, तो मेरे भाई सबसे पहले तो हम मतलब से करते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का क्या मतलब है। क्या सिखाया था मैंने कि बी आ गया है मतलब चिड़ी के पत्ते आ गए हैं, चिड़ी के पत्ते आ गए हैं। भाई अगर आप ताश खेलते हैं या जानकारी है तो चिड़ी के पत्ते जो होते हैं वो 13 पत्ते होते हैं, एक इक्का है, बादशाह है, बेगम है, गुलाम है, दो है, तीन है, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ये चिड़ी के पत्ते आ गए हैं, चिड़िया के पत्ते आ गए हैं। कितने पत्ते आ गए हैं, 13, मतलब ये सैंपल स्पेस बन गया, ये आ गया अभी, उसमें ए का कितना चांस, इसमें ए का कितना चांस, हु इज ए किंग, इसमें राजा आने की संभावना क्या है। अब भैया इसमें राजा तो एक ही है तो क्या संभावना हुई, वन सी वन, सी वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक पत्ते निकालने का है, वन सी वन अपॉन 13C1, यानी इस सवाल का आंसर 1/13 है। मैं दोबारा समझा देता हूं,
कईयों के दिमाग में ना गया हो, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब ये जो बी है वो सैंपल स्पेस बन गया, बी कौन था, चिड़ी का पत्ता, चिड़ी आ गई, चिड़िया के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते आ गए, दिस मीन्स दिस 13 कार्ड्स बिकम्स द सैंपल स्पेस, उस 13 कार्ड्स में ए की संभावना क्या, ए क्या, राजा आया, तो इसमें राजा तो एक ही है ना, 1c1, एक में से एक आ गया डिवाइडेड बाय 13c1, ये इस बात का मतलब है। अब अगर और क्लैरिफाई करना है तो हम उल्टा करके चलते हैं, तो सपोज कीजिए जनाब सपोज कीजिए कि कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालिए। नाउ जेंटलमैन कौन आ गया, ए आ गया, ए कौन है, राजे आ गए, राजे कितने होते हैं ताश में, चार, मतलब चार राजे आ गए हैं, एक बादशाह पान का आ गया है, एक बादशाह चिड़ी का आ गया है, एक बादशाह हुक्म का आ गया है और एक बादशाह ईंट का आ गया, चार राजे आ गए हैं उन, ये मतलब ये सैंपल स्पेस बन गया है, उस चार राज्यों में किसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है आपने, बी की, और बी कौन है, क्लब, तो भाई यहां पे क्लब आपको कितने नजर आ रहे हैं, एक, तो मतलब क्या आंसर आया, 1c1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4c1, सो द आंसर विल बी 1/4। आई बिलीव यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल प्रॉबिबिलिटी, एम राइट, परंतु पेपर में हम ऐसे नहीं करेंगे, मतलब चाहे हमें पता है पेपर में हमने ऐसे नहीं करना, पेपर में हमने करना है फॉर्मूलों से, ये जो मैंने आपको कहानी बना के दिखाई है उसके आधार पे जो फॉर्मूले बनाए गए वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी इज प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी एंड प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन ए इज प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए। मैं आपको पिछला क्वेश्चन इन फॉर्मूलों के अनुसार करके दिखा देता हूं, सामने देखते जाइएगा। अब मेरे बच्चे कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट था ड्रॉइंग ऑफ अ कार्ड और इवेंट ए था किंग कम्स और इवेंट बी था क्लब कम्स। नाउ The demand is probability of A given B की probability। तो भैया पीछे से हम आंसर तो देखें, probability of A given B आया था मेरे ख्याल से 1/13, मैंने इरेज कर दिया। अब हम इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, वहां पे बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड A given B, फटाफट फॉर्मूला लगाइए, probability of A intersection B divided by probability of B। अब इंटरसेक्शन, कईयों को ये इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी नहीं निकालनी आती, इस सादी भाषा में, साधारण भाषा में ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, राजा भी आना चाहिए, चिड़ी का पत्ता भी आना चाहिए। ये जो प्रॉबिलिटीज कैलकुलेट हो रही है ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट पूरी ताश में हो रही है, मतलब 52 पत्तों में हो रही है। दोबारा ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, राजा भी आना चाहिए, चिड़ी भी आनी चाहिए, ऐसा एक ही पत्ता होता है राजा चिड़ी का, तो मतलब 1c1 ओवर कितना 52c1 ऊपर वाले की ये प्रॉबिलिटी आ गई, डिवाइडेड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ बी, बी की संभावना, बी क्या है, चिड़ी का पत्ता, कितने चिड़िया के पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं, तो 13c1 ओवर 52c1, जेंटलमैन 52c1 कैंसिल हो गया, 1c1 होता है, 13c1 13 होता है, तो देखिए आप आंसर आ गया 1/13। तो यानी क्वेश्चन अगर बोर्ड्स में आएगा आपने मतलब आपने किससे कहा है, समझ गए। अब इसी चीज को हम रिपीट करते हैं दूसरा केस निकालने, दैट इज फाइंड प्रॉपर्टी बी। सो जनरल सपोज कीजिए बी गिवन ए की प्रॉपर्टी है, क्या फॉर्मूला था, ऊपर और नीचे वाले की इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाले की प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इकम बादशाह भी होना चाहिए, चिड़ी भी होना चाहिए। एक ही पत्ता होता है जो बादशाह चिड़ी का होता है, मतलब 1C1/52C1 डिवाइडेड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ बी, मतलब चिड़ी आनी चाहिए। ऐसे चिड़ी का ये मैंने उल्टा लिख दिया जी, प्रॉबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ ए। आई एम सॉरी, जो नीचे है वो नीचे है। दोबारा, हाँ जी, प्रॉबिलिटी ऑफ ए मतलब राजा आना चाहिए। ताश में कितने राजे होते हैं? चार, चार में से कोई एक, डिवाइडेड बाय 52 में से कोई एक, 52 सी वन कैंसिल हो गया, 1C11 होता है, 4C14 होता है, आंसर आ गया 1/4। तो आप देख सकते हैं मतलब से भी वही आए थे, रिजल्ट्स डेफिनेशन और फॉर्मूला से भी वही आए हैं। तो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यू आर गेटिंग दिस। अब भाई पेपर में क्या खेलेंगे, वो आपकी सेट थ्योरी की जानकारी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बीच में डाल देंगे। अब स्टूडेंट लोग अक्सर दिक्कत महसूस करते हैं सेट थ्योरी की जानकारी में, तो मैं कुछ बातें आपको समझाऊं, छोटी छोटी बातें हैं। जेंटलमैन, ए यूनियन बी, यूनियन का क्या मतलब कि ए और बी दोनों आ गए, ए और बी दोनों आ गए, कॉमन वाला एक ही बारी आया, ये ए यूनियन बी का मतलब हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ कॉमन आए, ए इंटरसेक्शन बी, या उल्टा यू का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, कॉमन वाला एक बार ही आया, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला आया। फिर स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ दो, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। देन देर आर सम रिजल्ट्स विच आर वेरी बेसिक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन बी। एक ये बात होगी। फिर भाई किसी इवेंट के होने का चांस प्लस उसके ना होने का चांस इज ऑलवेज कितना? वन। भाई प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वन से छोटी होगी और जीरो से क्या होगी? बड़ी होगी। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, संभावना नेगेटिव कैसे हो सकती, और संभावना 100% से भी ज्यादा कैसे हो सकती है? तो इसलिए प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन वन। एंड इफ द प्रोबेबिलिटी इज वन, दिस मींस दैट द इवेंट इज श्योर, एंड इफ द प्रोबेबिलिटी इज जीरो, दिस मींस द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट यू कॉल नॉट पॉसिबल, इवेंट इज नॉट पॉसिबल। नाउ जेंटलमैन, कुछ और बातें बहुत जरूरी, कई बारी वो खेल जाएगा इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ऐसे पेपर में खेल लेगा, तो तब स्टूडेंट कहेंगे कि भाई हमें तो फॉर्मूला आता नहीं, करना कैसे है? तब वेन डायग्राम का सहारा लेना। ये जो बॉक्स हो गया ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट। उस क्वेश्चन में जो बाकी सेट होंगे वो इसके सब सेट्स होंगे, बच्चे होंगे। यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन। एंड जेंटलमैन, सपोज दिस सर्कल रिप्रेजेंट ए, दिस सर्कल रिप्रेजेंट बी। अब ये क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है ए, मैं ए की शेडिंग बना लेता हूं, सपोज कीजिए ये ब्लू कलर से, और कहा जा रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने ए को शेड किया है ब्लू कलर से, बी कॉम्प्लीमेंट को हम रेड कलर से कर देते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ दो, तो बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, तो भैया ये मेरे पास इन दोनों की वो कह रहा है कि क्या करिए, यूनियन करके दीजिए। यूनियन का क्या मतलब हुआ कि जहां आपको लाइन नजर आ रही है, ये ब्लू लाइंस भी लेनी है, रेड लाइंस भी लेनी है,
तो भैया ये तो हर जगह नजर आ रही है, सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं नजर आ रही है जो बी के अंदर वाला क्षेत्र है। तो आप क्या करेंगे? तो ये कैसे क्वेश्चन निकलेगा, किस तरह से निकलेगा? ये जो पूरा डब्बा है ये यूनिवर्सल सेट है, पूरे सैंपल स्पेस आने की संभावना कितनी होती है? 1। ये पूरे डब्बे की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। मेरे को चाहिए ये शेडिंग वाली जगह, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो भाई इसमें से जब मैंने पूरा डब्बा ले लिया तो ये हिस्सा भी आ गया, ये मेरे को उड़ाना पड़ेगा, है ना? तो ये मेरे को चाहिए नहीं, तो ये कैसे उड़ाओगे आप? मैं कहता हूं कि भाई ये बी का गोला उड़ा दो। तो भैया अगर आपने पूरे डब्बे में से बी का गोला उड़ा दिया तो उसमें ये छोटू पोर्शन भी उड़ गया, परंतु मेरे को वो चाहिए, वो छोटू पोर्शन ऐड कर दीजिए। और वो छोटू पोर्शन, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी का। तो इस तरह से मैं इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लूंगा। एम आई क्लियर? सो टेकिंग द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इन अ वेरी प्रॉपर मैनर यू कैन कैलकुलेट ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज। क्यों? क्योंकि देखिए अक्सर बच्चों को यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, ये निकालने में सहूलियत होती है। तो कभी पेपर में ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा डाल दें यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए और मैनिपुलेट कीजिए, तो आपके पास जो आपको निकालने आते हैं उसी फॉर्म में नीचे बन जाता होता है, जिनकी वैल्यू फटाफट पढ़ लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। लेट मी गिव यू, दिस इज अ पोर्शन विच इज इन्वॉल्व इन जनरल प्रोबेबिलिटी। हम एक और कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि भाई आया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल, इसकी प्रोबेबिलिटी। वैसे तो स्टूडेंट्स एक डी मॉर्गन लॉ होता है, अगर डी मॉर्गन लॉ की जानकारी हो तो ये फटाफट निकल जाएगा। मान लीजिए नहीं है जानकारी तो कैसे करना है? तो मेरे बच्चे फिर हम मदद लेते हैं वेन डायग्राम की। भाई ए का गोला बनाइए, बी का गोला बनाइए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब वो कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ दो, येलो वाले पार्ट ले लेते हैं, ए को छोड़ देते हैं, ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो। ये हिस्सा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ये ग्रीन वाला ले लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को छोड़ दो, तो बी के गोले को छोड़ दो। ठीक होगी बात? अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भी इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन का मतलब येलो भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए, येलो भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई चेक पड़ गया। तो भैया वो चेक वाला क्षेत्र कौन सा है? मैं रेड कलर से देखता हूं। ये बाहर देखिए, ये चेक पड़ा हुआ है, बाहर देखिए, ये चेक 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 चेक, ये बाहर चेक पड़ा हुआ है, देख सकते हैं बाहर चेक 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 चेक। तो भाई इसका मतलब ये वो रेड वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो मेरे भाई रेड वाले की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब? पूरे डब्बे की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1, उसमें से ये दो गोले उड़ा दो। ये दो गोले क्या होते हैं? यूनियन के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये आ गया मेरा आंसर। बात दिमाग में जा रही है सबके? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दोबारा मैंने जब इन दोनों की इंटरसेक्शन की, मतलब येलो पार्ट ग्रीन पार्ट जहां पे कॉमन है, तो वो बाहर वाला क्षेत्र था। बाहर वाले क्षेत्र की प्रॉपर्टी निकालने के लिए पूरे बॉक्स की प्रॉपर्टी 1 होती है, उसमें से ये दो गोले उड़ा दिए। ये दो गोले किसके होते हैं? यूनियन के। तो इस तरह से हम इन चीजों को कैलकुलेट कर लेंगे। दीज पार्ट कैन बी व्हाट यू कॉल इन्वॉल्व इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन। कंडीशनल प्रॉपर्टी में इनका इस्तेमाल आ जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आने वाले हैं उनमें इस्तेमाल आ जाएगा, जनरल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब जैसा मैंने बात की डी मॉर्गन्स लॉ की, तो वो अब बोला है तो बता ही देते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ, दो लॉ होते हैं, ऐसे याद कीजिए।
यूनियन पर कॉम्प्लीमेंट बांटोगे तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगी, और इंटरसेक्शन पर कॉम्प्लीमेंट बांटोगे तो इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगी। डी मॉर्गन के दो लॉ। यूनियन पर कॉम्प्लीमेंट बांटोगे, ऐसे ऐसे बांटोगे तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट बांटोगे तो इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगी। अब भैया वो जो पिछला सवाल था, अगर आपको डी मॉर्गन लॉ आने होते तो वो डब्बे डब्बे बनाने की भी जरूरत नहीं थी। क्या मैंने पूछा था? प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जेंटलमैन दिस डी मॉर्गन का ये वाला हिस्सा दे रहा था, हम जानते हैं वो इसके बराबर है, हम जानते हैं दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और भाई यूनियन के ना होने का चांस, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना होने का चांस इज 1 माइनस उसके होने का चांस। तो मैंने आपको वहां से भी यही करके दिया था। तो ये है डी मॉर्गन लॉ। आई बिलीव दिमाग में जा रहा है। तो भाई हमने अभी तक देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और देखा हमने जनरल प्रोबेबिलिटी, और कुछ हमने रिजल्ट्स किए बेसिक। अब बढ़ाते हैं बात अपनी आगे। मेरे बच्चे डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, कभी ऐसा दिया हो। डिसजॉइंट का मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं है, मतलब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी? जीरो। सेट थ्योरी में बात करें तो उनकी इंटरसेक्शन कितनी? खाली। भाई किसी के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना कितनी होगी? जीरो। और हमें इसको दूसरी फॉर्म में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, इसको दूसरी फॉर्म में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहा जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन देयर प्रॉपर्टी, व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज कितनी? जीरो। व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज जीरो, आई बिलीव यू आर गेटिंग दिस। लेट अस मूव फर्दर। अब भाई कंडीशनल प्रॉबेबिलिटी आप पढ़ चुके हैं, यहां पे एक बार लिख देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी। और प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन ए कितना होता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए। जो नीचे है वो नीचे है, जो नीचे है वो नीचे है, और ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन आएगी, ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन आएगी। ये है कंडीशनल प्रॉपर्टी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स, माय डियर फ्रेंड, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द थर्ड सेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो भाई दो इवेंट इंडिपेंडेंट, अक्सर बचपन में ऐसे सोच लेते हैं इंडिपेंडेंट एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ऐसी कुछ वैसे तो नॉनसेंसिकल सोच है कि भी ऐसा सोचे जाए कि दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ये मतलब नहीं है। पहले बात जनाब, इसका मतलब ये नहीं है। मैं मतलब भी समझाऊंगा, फॉर्मूला भी दूंगा। तो लेट अस स्टार्ट इंडिपेंडेंट इवेंट, दिस इज द थर्ड सेक्शन। नाउ टू इवेंट्स माय डियर फ्रेंड, टू इवेंट्स ए एंड बी, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट। If probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, ये मैंने आपको रट्टा लगवा दिया है। मीनिंग क्या है इसका हम समझेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो तभी आती है जब मीनिंग भी समझ हो, फॉर्मूले भी समझ हो। परंतु बोर्ड्स में तो इसी तरह से करना कि जब कभी आपको पेपर में कह दे कि क्या दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, आपने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालनी है, अकेले अकेले की प्रॉपर्टी निकालनी है, अकेले अकेले की प्रॉपर्टी की मल्टीप्लीकेशन अगर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के इक्वल आ जाए तब दो इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप ये लिख लीजिए, मैं इसकी समझ समझाता हूं आपको। अब मेरे भाई मतलब क्या है,
मीनिंग कहां से आ गया, ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अकेले अकेले की मल्टीप्लिकेशन। अब भाई इंडिपेंडेंट का मैं आपको मतलब समझाऊं, दिस इज अ मीनिंग जनरल नॉलेज, आप में से कहीं हो सकते हैं जेई लड़ने वाले हूं, लेट मी क्लियर वन थिंग, आई एम टीचिंग दिस टोटली अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, जेई का टच मैं इसमें नहीं दिया, ऑल्दो मैं अपनी आदत से मजबूर हूं जेई की बातें बताता रहता हूं, परंतु मैं इसको बहुत साधारण बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। जेई का लेक्चर लगा देंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी की पूरे पोस्टमार्टम कर देंगे। अब देखिए, दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाए, इसको अगर हम समझे कि बी आ गया है उसमें ए का चांस, मतलब ए कहता जब बी तू सैंपल स्पेस बन गया है तेरे में मेरी संभावना और ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में मेरी संभावना सेम आ जाए तब मैं तेरे इंडिपेंडेंट हूं। मतलब इसको ऐसे समझिए, ए कहता तू आ जा तेरे में मेरा चांस और पूरे एक्सपेरिमेंट में मेरा चांस, मेरे चांस को फर्क नहीं पड़ा, तेरे आने पर नहीं फर्क पड़ा, जो मेरा पुराना चांस था तेरे आने पर भी उतना ही चांस है, इसका मतलब मैं तेरे इंडिपेंडेंट हूं, है ना जी, है ना जी। या नहीं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यहां पे ए कहता मैं आ गया हूं, मतलब आई हैव बिकम द सैंपल स्पेस, ए में बी का चांस, मतलब बी कहता मेरा चांस तेरे में और मेरा चांस पूरे एक्सपेरिमेंट में, दोनों सेम आ रहे हैं, तो तेरे आने पर भी मेरी संभावना को फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं तेरे इंडिपेंडेंट हूं, ये इस बात का मतलब है। तो भाई इस मतलब से हमारा वो फॉर्मूला ड्राइव हो गया, अगर आप बहुत केयरफुली समझे तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई यहां से प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ बी, हेंस प्रूव्ड। तो इसलिए हम पेपर में क्या किया करेंगे, जब भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालेंगे, अकेले अकेले की प्रॉपर्टी निकालेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर इंटरसेक्शन की बराबर आ जाए तब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस, समझ गए हैं, बड़ा आसान काम है। तो इंडिपेंडेंस चेक करने का, अब इसके मद्देनजर कुछ और बातें भी होती है, वो भी हम समझ लेते हैं, पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि दिमाग में चले जाए। दिस इज अ वन शॉट लेक्चर, इसमें मैं क्वेश्चंस आपको थ्योरी इस तरह से क्लियर करा रहा हूं कि कोई किताब टेक्स्ट वाली बना लीजिए, सब बन जाएंगे सवाल। मेरे भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, ड्राइंग ऑफ अ कार्ड, मतलब ताश के गड्डी में से एक पत्ता निकाला, इवेंट ए ले लीजिए, एस कम्स, एस होता इक्का, इक्का 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 समझते ना, ए, बी ले लीजिए स्पेड कम्स, कुछ वैसी एग्जांपल होगी जो मैंने पीछे बनाई थी, स्पेड का मतलब होता है हुक्म, काले रंग की होती है। मान लीजिए प्रश्न में ऐसा पूछा गया, आर दीज इवेंट्स इंडिपेंडेंट और नॉट, are these events A and B independent or not, तो ज्यादा दिमाग ना खर्चिएगा वहां पे, आपको मैंने तरीका बता दिया, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी निकालिएगा, अकेले अकेले की प्रॉपर्टी निकालिएगा, अगर सेम आ गई तो इंडिपेंडेंट, नहीं आई तो नहीं इंडिपेंडेंट, खत्म। तो भैया A इंटरसेक्शन B, अब मैंने कहा था कई स्टूडेंटों को दिक्कत महसूस होती है तो हिंदी में बोल लीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, इक्का भी आना चाहिए, हुक्म भी आना चाहिए,
इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी इक्का आने की संभावना। इक्के कितने होते हैं ताश में, चार, चार में से कोई इक्का एक आ गया डिवाइडेड बाय 52 सी वन, दैट इज 4/52 दैट इज 1/13 इक्का आने की संभावना। और बी की प्रॉबिलिटी क्या है, बी है जी हुक्म आने की संभावना। ताश में कितनी हुक्म होती है, 13 सी वन ओवर 52 सी वन दैट इज 13/52 13/52 कितना होता है 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया जी 1/13 इंटू 1/4 दैट इज 1/ कितना 52। तो भाई हमने देखा कि अकेले अकेले की इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉबिलिटी और इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी दोनों सेम आई। तो यस दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बात समझ रहे हैं, समझिए धैर्य एंड अदर स्टूडेंट्स आल्सो। सो लेट अस मूव फर्दर अहेड।